नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं अंकिता सिंह। बड़ी खबर आ रही है एटा से। आगामी पंचायत चुनाव से पहले एटा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एटा पुलिस ने शराब माफियों, हिस्ट्री सीटर, जिला ब्रदर गैंगस्टर पर की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने अवैध शराब के ठिकाने पर जाकर की बड़ी कार्रवाई। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने धधकती हुई भट्टियों पर की तोड़फोड़। मौके पर पुलिस ने एक शराब माफिया को किया गिरफ्तार। अन्य आरोपी पुलिस को देखकर मौके से हुए फरार। पुलिस की इस कार्रवाई से शराब माफियों में हड़कंप की स्थिति। थाना कोतवाली नगर का है यह मामला। प्राइम न्यूज 24 के लिए विकास दुबे की रिपोर्ट। एटा में आगामी पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पे हैं। इस क्रम में अब तक लगभग 4000 से अधिक लाइसेंस अस्त्रधारी लोगों के असलहे थानों पे और दुकानों पे जमा कराए गए हैं। इसके अलावा 471 लोग जो लाइसेंसधारी मृत हुए हैं उनके असलहे भी थानों पे जमा करा लिए गए हैं। 91 लोगों के आपराधिक इतिहास होने की दशा में उनके शस्त्र लाइसेंस निलंबित कराए गए हैं। इसके अलावा गुंडा एक्ट में अब तक 24 लोगों को जो जिला बदर थे उनको गिरफ्तार किया गया है। 64 लोगों को गुंडा एक्ट में चालान भी किया गया है। अवैध शराब और अवैध शस्त्र के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है। इसी क्रम में अवैध शराब की 2 भट्टियां आज फिर से चलाते हुए आरोपियों को पुलिस द्वारा थाना कोतवाली नगर और मिराची पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से सैकड़ों लीटर अवैध शराब भी बरामद हुई है और भारी मात्रा में लहन भी नष्ट किया गया है। ये हिस्ट्री सीटरों की चेकिंग के क्रम में अब तक 26 हिस्ट्री सीटर मृत पाए गए हैं जिनकी हिस्ट्री सीट नष्ट कराई जा रही है। 1 दर्जन से अधिक सक्रिय अपराधियों की नई हिस्ट्री सीट खोली गई है जिनकी लगातार निगरानी की जाएगी। सक्रिय अपराधियों वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध भी गैर जमानती वारंटी जो है उनके खिलाफ भी लगातार छापेमारी का अभियान गिरफ्तारी का क्रम